अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? स्लाइड्स विजिबल है आपको? और कम फास्ट फॉर लेक्चर। टुडे वी विल कंटिन्यू प्रीवियस लेक्चर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक कल मैंने कुछ आप लोगों को बेटा असाइनमेंट दिया था, किया किसी ने रिव्यू उसको? क्योंकि मुझे याद है, मैं भूली नहीं, अभी कल का ही डे था। ओके, थैंक यू नीलम रशीद। बेटा मुझे कुछ सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के जो है कुछ इश्यूज हैं, आप लोग प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, क्यों? अब तो आपके अकॉर्डिंग टू विश जो है वो आपके वर्किंग आवर्स के अलावा जो है वो आपके जो है लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। जी, आज हमने एक्चुअली इंस्पेक्शन से स्टार्ट करना था। ये ऑलरेडी हम लोग लाइन ऑफ जो है वो ओरिएंटेशंस पढ़ चुके हुए हैं, सरफेस लैंडमार्किंग भी हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है? तो अब हम टेक्निक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी फिजिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? इंस्पेक्शन, ठीक है? हम फोर फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स ही यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। एक्चुअली मुझे कुछ आपकी तरफ से मैसेज मिला था कि आपका जो है वो आई थिंक आप लोग परेशान हो, कुछ समझ नहीं आ रहा या टाइम मैनेजमेंट नहीं आपकी हो रही, तो इसलिए मैंने नीलम आपसे बात की बेटा। ओके, अगर एवरीथिंग इज क्लियर है तो इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। और जो ऑनलाइन स्लैम्स की बात करें, मैं लेक्चर भी जो है वो आपको जो है आज वो हाइड जो है वो हटा देती हूँ, शो कर देती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी, अदरवाइज मैं सुबह ही कर देती। तो इंस्पेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस कर लिया था कि नॉर्मल चेस्ट में क्या होता है, स्लाइड रिट्रैक्शन होती है ऑफ इंटरकोस्टल स्पेसिस के दरमियान में, और 2 × × एज ए वाइड एज ए डीप इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर, अगर हम बात करते हैं इम्फिजीमा में 1:2 रेशियो की बात करते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली हमारा इंटीरियर जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर की हम बात कर रहे थे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया था कि आप सब ने पढ़ के आना है, और किसी एक सिंगल बच्चे का भी जो है वो मुझे मैसेज नहीं आया। मैंने कहा था आप सब ने रिव्यू करना है बेटा, आप लोग उस वक्त 28 स्टूडेंट थे, स्टूडेंट प्रेजेंट थे, और किसी एक सिंगल बच्चे ने भी रिव्यू नहीं किया हाउ टू मेजर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ऐसा ही है ना? ओके जी, इंस्पेक्शन में डेफिनेटली हम चेस्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? उसमें नॉर्मल चीज़ें क्या है हम देखते हैं कि अगर बैरल चेस्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन में हमने देखा स्किन कलर क्या है, चेस्ट एक्सपेंशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है उसकी, इंटरकोस्टल स्पेसिस बिटवीन जो है नॉर्मली जो है वो थोड़ी सी आपकी क्या है उसमें स्लाइटली रिट्रैक्शन होती है इंटरकोस्टल स्पेस में जब हम ब्रेथ कर लेते हैं नॉर्मल चेस्ट में, अगर हम देखते हैं, ठीक है? अगर उसमें और देखते हैं चेस्ट की शेप क्या है, ठीक है? चेस्ट की शेप पिजन शेप है, बैरल चेस्ट है आपकी, ठीक है? ये सारी चीजें हमने उसको देखना है। ओके, स्किन लियन वाला टाइप ऑफ स्किन लियन भी शो नहीं हो रहा, इंशाल्लाह आई विल प्रॉमिस टुडे, इंशाल्लाह आई विल अपडेट इट। ओके, कम टू पॉइंट, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपने देखना है कि पेशेंट की चेस्ट में सबसे पहले तो इंस्पेक्शन में आपने स्किन कलर देखना है पेशेंट की, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, हम ऑलरेडी हिस्ट्री में देख चुके हैं कि उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है? कोई कार्डियक सर्जरी तो नहीं हुई हुई, तो आपने स्कार देख लिया, ठीक है? उसकी रिट्रैक्शन देख ली कि पेशेंट की जो चेस्ट जो है वो इन्फ्लेन एक्सप्लेन जो है वो किस तरह पेशेंट्स की, और इंटरकोस्टल स्पेसिस में क्या है रिट्रैक्शन नॉर्मली है या नहीं है। जी वालेकुम सलाम अरफा, ठीक है?
तो अगर हम बैर देखनी है कि चेस्ट की शेप क्या है, पिजन है, फैनल है, बैरल है, ठीक है, हम बैक साइड पे भी देखते हैं लेटरल कर्वेचर है उसका, कैफोसिस तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि हम अगर बैरल चेस्ट की बात करें तो ड्यू टू ओवर इन्फ्लामेशन ऑफ लंग, तो बैरल चेस्ट में ओवर इन्फ्लामेशन लंग्स की हो जाती है और इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इक्वल हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा 1:2 रेशियो होता है, और अब जो बैरल चेस्ट में है 1:1 रेशियो, उसका बराबर ही एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है जी। फैनल चेस्ट को हम पेक्टस एक्सकिवेटर भी कहते हैं, ठीक है। पेक्टस जो है पेक्टोरियस मसल्स की बात करती हैं, तो ये जस्ट लाइक आपको यही सामने शो हो रहा है, तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि फैनल कीव की तरह जो है वो उसकी चेस्ट की शेप बनी हुई है, तो उसको इसलिए फैनल चेस्ट कह दिया है। ये डिप्रेशन सा होता है, एक डिप्रेशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम, तो ये मोस्टली अगर इस तरह की चेस्ट होती है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या डेवेल्प होती है, हार्ट डैमेज हो सकता है और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। इज इट क्लियर? ओके जी। पिजन चेस्ट शेप, पिजन में है जस्ट लाइक, ये भी पेक्टस, इसको करेनेटम कहते हैं, उसको एक्सकेवेटम कहते हैं, एक्सकेटम, और इसको जो है करेनेटम कहते हैं, ठीक है। इसकी भी क्या पिजन की तरह जो है इसकी उभरी हुई चेस्ट होती है, पिजन उसको जस्ट लाइक जो है वो उसकी शेप बाहर की तरफ एक केज की तरह उभरा हुआ होता है जी बेटा। सुमैया शायद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, क्यों होगा? डेफिनेटली जो डिप्रेस करेगा तो प्रॉपरली हार्ट जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि उसमें डिप्रेशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक है, तो डिप्रेस किया हुआ है जिसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मे भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, बट कॉम्प्लिकेशन का पर्पज ये है कि पिजन फैनल चेस्ट में उसकी कॉम्प्लिकेशन डिवेल्प हो सकती है, हार्ट डैमेज भी हो सकता है क्योंकि रिब्स अंदर की तरफ गई हुई है ना उसकी, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके। पिजन चेस्ट ये बाहर की तरफ केज बना हुआ है, इसमें स्टर्नम क्या प्रोट्रूड हुआ हुआ है आउटवर्ड बाहर की तरफ, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस भैया बेटे डेफिनेटली ये होता है रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क फैक्टर में हो सकता है, ठीक है, जैसे स्मोकिंग वाले पेशेंट्स की हम बात करते हैं तो वो एक्सपोयर्स पे वो हो सकती है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन जो कोई अगर डिजीज है उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जैसे डायबिटीज है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाता है, रेटिनोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है, तो जिसमें कैटरिक आ जाता है, तो इसी तरह इसके कॉम्प्लिकेशन हैं फैनल चेस्ट की। अब पिजन की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम पेक्टस करनेटम भी कहते हैं, और इसमें स्टर्नम हमारा प्रोटूड आगे की तरफ हो आता है और इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज है जी। सिक्लोसिस, सिक्लोसिस में क्या है, ये हम इंस्पेक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सिक्लोसिस में क्या है आपका, लेटरल कर्वेचर ऑफ द थ्रेसिक स्पाइन। अब हम स्पाइन, क्योंकि हमारी इंटीरियर चेस्ट भी है और पोस्टीरियर चेस्ट, हम दोनों को एग्जामिन कर रहे हैं, तब लेटरल कर्वेचर में क्या है, इसका थोरेसिक स्पाइन लेटरली होगा। जब हम स्पाइन को बैक साइड पे हम जो है वो ऑब्जर्व इंस्पेक्ट करते हैं तो ऑलरेडी आपको ये शेप नज़र आएगी, ठीक है। असेसमेंट में क्या हो गए, शोल्डर उसके एलिवेटेड हो जाएंगे, और इसमें भी कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, हुई तो नहीं है, हो सकती हैं, इन कंडीशंस में लंग और हार्ट डैमेज हो सकता है, बैक प्रॉब्लम है, बॉडी इमेज डिस्टर्ब। डेफिनेटली जब लेटरल उसका कर्व है थोरेसिक स्पाइन का, तो उसका बॉडी इमेज क्या है, वो डिस्टर्ब है। आर यू गॉट माय पॉइंट? ओके जी। कैफोसिस, कैफोसिस में क्या था कि हंच बैक भी इसको कहते हैं और हम बैक भी कहते हैं, ठीक है, बाहर जिसे हम खूब पंजाबी में कहते हैं कि उसकी बाहर की तरफ जो है वो चेस्ट जो है वो निकली हुई है, ठीक है, हंच बैक, इसको मोस्टली हम कैफोसिस को हंच बैक भी कहते हैं जी। वालेकुम सलाम। इसका तो हम इसको अगर बाय द डेफिनेशन कहते हैं कि डिफाइन द कैफोसिस और डिफाइन द फॉलोइंग डेफिनेशंस, ठीक है, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, लिटरल कर्व भी आ जाता है, सिक्लोसिस भी आ सकता है, कैफोसिस भी हो सकता है, तो इसमें अब नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन, ठीक है, इसमें भी एक कर्वेचर जो बाहर की तरफ जो हमारा फैनल चेस्ट में था, सॉरी किस में था, पिजन चेस्ट शेप में, ठीक है, पिजन में हमारा प्रोटूड हुआ हुआ था आउटवर्ड, और कैफोसिस में क्या है आपका, हंच बैक जो है वो थ्रेसिक स्पाइन का, ये भी हमारा आउटवर्ड जो है वो बैक साइड से हुआ, बैक ऑफ चेस्ट, ठीक है।
लॉर्डोसिस मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं लॉर्डोसिस में और सेक्लोसिस में. सेक्लोसिस में कीप इन माइंड कि लेटरल कर्वेचर होता है स्पाइनल कार्ड का, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का लेटरल कर्वेचर होता है. और लॉर्डोसिस में जो है ये भी स्पाइनल कॉर्ड है बट ये लंबर एरियाज की है, ठीक है. इसमें स्वे बैक होता है अंदर की तरफ ज़्यादा. मोस्टली 40-50 ईयर्स के अराउंड अबाउट जो फीमेल्स होती हैं उनके जो है वो लॉर्डोसिस नॉर्मली ही होता है. वो क्या है, एक तो 45 ईयर्स के बाद हाइट में भी आ जाता है, बॉडी जो है आपकी रिलैक्स हो जाती है, मसल्स लूज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो अब्डोमन प्रोट्रूड हो जाता है फीमेल्स का, और जो लंबर वर्टीब्रा लंबर साइड्स है वो जो है वो थोड़ा सा उसका कर्वेचर अंदर की तरफ आना देता है, उसे हम कहते हैं स्वे बैक. यहाँ आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है कि यहाँ नॉर्मल स्पाइन है और ये लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन है कि अब्डोमन अंदर की तरफ है और इसमें जो है स्वे बैक हुआ है, एग्जीगेटेड लंबर कर्व हो जाता है, कर्व बन जाता है. तो इसको क्या हम कहेंगे, अब नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन. क्लियर है? जी. तो अगर हम नॉर्मली बात कर रहे थे कि अगर लंबर कर्वेचर जो है स्पाइन का लंबर कर्वेचर हो जाता है तो मोस्टली ये मीनोपॉज वुमेन में भी हो जाता है. जी. इंस्पेक्शन में हम यूनिफॉर्मिटी भी देखेंगे कि आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड कर रही है इन यूनिफॉर्मली, ठीक है, मतलब इक्वली देख कर रही है या एक तरफ एक्सपेंड कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही. तो यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट हम देखते हैं, नमोनिया तो नहीं है, ठीक है. प्लूरल ओफियन में हम देख सकते हैं निमोथॉरिक्स. ओके, थैंक यू बेटा. ओके, नमोनिया, प्लूरल ओफियन, निमोथॉरिक्स और बल्जिंग इंटरकोस्टल स्पेसिस, ऑब्स्ट्रक्शन, एम्फिजीमा. ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं. यूनिफॉर्मिटी इनमें, अब अगर नमोनिया है तो उनमें कोई हो सकता है, प्लूरल ओफियन है तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, निमोथॉरिक्स है तो उसमें भी ये इशू हो सकता है, बल्जिंग इंटरकोस्टल स्पेसिस क्यों होगी, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई सर्जिकल एम्फिजीमा है, तो इनमें बल्ज करेंगी आपकी इंटरकोस्टल स्पेसिस. जी. इंस्पेक्शन कंटिन्यू, मार्क रिट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेसिस ब्लॉकेज. अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि किसी एरिया की इंटरकोस्टल स्पेसिस जो है आपको वो बल्जिंग नजर आ रही है या कोई ब्लॉकेज है, तो उस एरिया को आपने मार्क करना है. शोल्डर राइज, एक्सेसरी मसल्स और पोस्चर. जब आप इंस्पेक्ट करते हो तो पेशेंट को कहते हैं हम, क्योंकि वो समटाइम अगर ब्रेथ कर रहा होता है तो वो एक्सेसरी मसल्स भी यूज कर देती हैं. ऑलमोस्ट हम लोगों को जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट, ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स और जो हमारे न्यू बॉर्न नर्सरी में अगर आप छोटे बच्चों को देखो तो उसमें मोस्टली हम कहते हैं इसकी लेबरल ब्रीदिंग है, ये क्या है, एक्सेसरी मसल्स के यूज कर रहा है, रेस्पिरेशंस भी, और शोल्डर जो है वो उसके राइज हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट और पेनफुल ब्रीदिंग उसकी होती है, ठीक है. तो ये हमने सब चीज़ें इंस्पेक्शन में देखनी है. थैंक यू बेटा, आप लोग ऑनलाइन हो. जी, गुड. जी बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन किसी टाइप की भी, कोई भी हम आपको जो है वो बता सकते हैं. ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कोई ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ब्लॉकेज भी कर सकती हैं. अगर कहीं ब्लड ट्रोमा हो गया है आपका, तो ब्लड ट्रोमा में क्या है, ठीक है, ब्लड ट्रोमा क्या है कि आपके वहाँ से सर्कुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, आपकी नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ कंसोलिडेशन हो जाएगी, तो उसमें हम उसको ब्लॉकेज जो है वो मार्क कर देंगे. लंग्स की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. ट्रोमेटिक भी हो सकती है ना, कोई आपकी रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो गई है तो उसमें भी ब्लॉकेज आपके लंग की कर सकते हैं, ठीक है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन का पॉइंट किया. जी, इज इट क्लियर सुमैया? ओके. इंस्पेक्शन कंटिन्यू है. इसमें हम डेफिनेटली चेस्ट के साथ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नोज से स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली हमारा अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी हम दोनों को इंस्पेक्ट करते हैं. इंस्पेक्शन में क्या है, ट्रेकिया में आपने भी देखना है, कोई डेविएशन तो नहीं है राइट और लेफ्ट, आपके मिड लाइन ऑफ द बॉडी में ही है, आपके हेड के मिड में ही है, और आपने नेक में देखना है कि राइट और लेफ्ट डेविएट तो नहीं है, सेंटर में ही है. तो इसकी भी एक तकनीक है, जब आपने नेक में असेसमेंट देखा तो उसमें हम किस तरह उसको पल्पेट करते हैं, ठीक है, या हम स्टर्नल नोज पे जो है वो अपनी दोनों फिंगर रखते हैं, थर्ड वन के साथ हम उसको ऑब्जर्व करते हैं
ट्रेकियल रिंग को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लिनिकली जो है वो पता चल जाएगा कि सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कोई डेविएशंस नहीं है राइट लेफ्ट में। प्लूरल ओफियन है, टेंशन निमोथोरिक्स है, एटीलेक्टेसिस, क्योंकि ये लंग से रिलेटेड डिजीजेज हैं तो इसलिए हम उन सबको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कलर उसका देखेंगे हम, ठीक है, स्किन कलर की बात हो रही है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे और इमोशनल स्टेट देखेंगे इंटैक्ट है या नहीं। समटाइम पेशेंट एंजाइटी और स्ट्रेस में भी जो है इमोशनल स्टेट इसलिए डिस्टर्ब यहाँ मार्क किया जाता है कि डिपेंड अपॉन द पेशेंट। अगर आपने देखा होगा एस्थमेटिक पेशेंट बहुत एजिटेटेड और इरिटेटिंग हो जाते हैं और उनमें जो है टॉलरेंस पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है एग्जर्शन की वजह से, ठीक है जी। ट्रेकियल पोजीशन मेडियास्टिनम पे भी हो सकते हैं, ठीक है। मेडियास्टिनम एनी डेविएशन ऑफ द मेडियास्टिनम इज अबनॉर्मल। लेटरल शिफ्ट भी हो सकता है और द मेडियास्टिनम कैन बी आइदर पुल्ड और पुश अवे फ्रॉम द लियंस। पुल में क्या होगा, लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम जिसमें हम एटीलेक्टेसिस, फाइब्रोसिस, एंजियोजेनेसिस, सर्जिकल रिएक्शन रिसेक्शन और प्लूरल फाइब्रोसिस, उस इन कंडीशंस में आपका ट्रेकिया जो होगा वो पुल हो सकता है, ठीक है। अब पुश की अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन, प्लूरल ओफियन, निमोथोरेक्स, लार्ज मैस लियंस, ठीक है। बट एस्टिनल मैसेज एंड थायराइड ट्यूमर्स, इज इट क्लियर, क्योंकि यहाँ अगर हम ट्रेकियल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा अगर तो मेडियास्टिनम एनी डेविएशन ऑफ द मेडियास्टिनम में क्या होगा, अब नॉर्मल होगी, लेटरल शिफ्ट हो सकती है और कैन बी आइदर दोनों तरफ भी हो सकती है, पुल भी कर सकती है, वो पुश भी हो सकती है, इज इट क्लियर, ठीक है। अगर पुल है तो उनमें लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम हो जाएगा और वो उन कंडीशन में क्या क्या किन कंडीशन में होगा, एटीलेक्टेसिस है, फाइब्रोसिस है, कोई एंजियोजेनेसिस है या सर्जिकल कोई उसकी रिसेक्शन हुई हुई है या कोई प्लूरल फाइब्रोसिस है। अगर पुश है तो वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्लूरल ओफियन हो सकता है, निमोथोरिक्स सर्जिकल इम्फाइजीमा हो सकता है, निमोथोरिक्स हो सकता है और लार्ज मैस मैसेज हो सकता है, ठीक है, क्लियर है सबको। डेफिनेटली थायराइड इनलार्ज है तो उसमें भी इश्यू हो सकता है जी। यहाँ आपको स्लाइडली आई थिंक यहाँ इमेज आपको शो होगा, मे बी जब आप अपलोड करोगे अपनी स्लाइड्स डाउनलोड कर लोगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें ट्रेकियल शिफ्ट जो है वो स्लाइटली जो है वो राइट साइड पे, ये देख रहे हैं यहाँ मेरा कर्सर आ रहा है, ये राइट साइड है, स्लाइटली यहाँ जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ है और सेंटर में ट्रेकिया जो है वो उसकी स्पेस आपको ब्लैकिश शेडो नज़र आ रही है, इट मीन्स एम्प्टी है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट के लिए दिया है कि लेटरल कैसे हो सकता है। पुश भी इसी तरह हो सकता है कि या तो बिल्कुल आपको विजिबल नहीं होगा, ये पुल टाइप हो जाता है, सामने से ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। ये मार्क आपको क्लियरली बता दिया था कि इस तरफ जो है वो लेटरल उसके राइट शिफ्ट हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, एनी क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक सब, ओके। ब्रीदिंग पैटर्न, डेफिनेटली हम ब्रीदिंग पैटर्न को कभी फॉरगेट नहीं कर सकते रेस्पिरेटरी सिस्टम को असेस करते हुए, कि हमें पता होना चाहिए पेशेंट्स की शैलो ब्रीदिंग है, रैपिड ब्रीदिंग है, लेबर ब्रीदिंग है या उसकी स्मॉल ब्रीदिंग है, ठीक है। एपनिया है उसमें, डिस्निया है पेशेंट्स को, ये सब चीज़ें नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा गो थ्रू करूँगी, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, प्रेशर ग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू जनरेट एयर फ्लो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट एंड इनलार्ज थ्रेसिक कैविटीज, इंट्राथ्रेसिक प्रेशर्स डिक्रीज एयर फ्लो थ्रू ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री इनटू द एल्वियोलाई एक्सपेंडिंग लंग। ये कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक्चुअली होता क्या, ठीक है, ओके बेटा लेक्चर वो ले रही है, ठीक है, बट आप लोग कोशिश किया करो कि अपने मोबाइल से ऑनलाइन, इज इट क्लियर बेटा, बट नाउ यू कैन कंटिन्यू द लेक्चर्स। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम क्या कहते हैं, ये जस्ट लाइक एक प्रेशर जो इंग्रेडिएंट ग्रेडियंट होता है वो जनरेट करता है एयर फ्लो,
डायफ्राम हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिसेंड करता है और इनलार्ज होता है थ्रेसिक कैविटी में, और इंट्राथ्रेसिक प्रेशर जो है वो डिक्रीजेस और एयर फ्लो थ्रू ट्रेकोब्रोंकियल ट्री इनटू द ऑलिवलाई एक्सपेंडेड लंग्स। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक एक मैकेनिज्म है कि हम ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, कैसे ब्रेथ करते हैं। जी, असेस पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया पहले भी, टैकिपनिया, ब्रेड एपनिया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हम पैटर्न ऑफ रेस्पिरेटरी की जो है वो असेस करते हैं। नॉर्मली क्या है, मेन एंड चिल्ड्रन ब्रेथ डायफ्रामेटिकली और वुमेन ब्रेथ थोरेसिकली और कॉस्टली। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एब्डोमिनो थोरेसिक जो है वो मेल में होता है, डायफ्रामेटिकली जो ब्रेथ करते हैं बच्चे और आदमी। ठीक है, मेल पर्सन की अगर बात हो रही है तो ये डायफ्रामेटिकली जो होते हैं वो ब्रेथ करते हैं, और वुमेन ब्रेथ करती हैं थोरेसिकली। जिस तरह हम कहते हैं एब्डोमिनो थोरेसिक जो है वो मेल पर्सन जो है वो ब्रीदिंग उनका एक पैटर्न है, और फीमेल जो है उनकी चेस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है जब वो ब्रेथ करते हैं। रेस्पिरेशन अगर आप काउंट करो तो उनकी जो है आपको चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा फील हो रही होती है। इज इट क्लियर? ओके, टैकिपनिया में क्या है कि रेस्पिरेटरी रेट ओवर दैट 20 पर मिनट्स, ठीक है, 20-22 जो है वो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो टैकिपनिया होगा। ये आपने कीप इन माइंड के अकॉर्डिंग टू हीज और हर एज के मुताबिक भी, चिल्ड्रन में और जो है वो और पैटर्न है, ठीक है, और अडल्ट में और है, ओल्डर अडल्ट में 18-16 भी हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर 20 से ज़्यादा इतनी हमने सेट क्राइटेरिया मार्जिन की बात करते हैं तो इसे अगर एक्सीड कर जाते हैं तो हम उसको टैकिपनिया कहते हैं। ब्रेड एपनिया डेफिनेटली लेस देन अगर 10 है तो हम उसको, रेस्पिरेटरी लेस देन 10 पर मिनट के हिसाब से है तो उसको हम ब्रेड एपनिया कहेंगे। रिलेटेड टू यूज ऑफ सेडेटिव और नॉर्कोटिक्स, मोस्टली पेशेंट अगर सेडेटिव पे है या वेंटिलेटर पे है, हम उसको सेडेशन दे रहे हैं तो उनमें भी हम ये देखते हैं कि उसकी एफर्ट आई या नहीं है। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि मतलब कोई भी ड्रग अब्यूज़ कर लेते हैं, सेडेटिव मेडिकेशंस लेते हैं, तो उनमें भी रेस्पिरेटरी ब्रेड एपनिया होता है। एक तो नॉर्मली होता है और कुछ बच्चों में अगर ओवरडोज चली जाए, पीडियाट्रिक की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उनमें भी ब्रेड एपनिक जो है वो पेशेंट्स हो जाते हैं ब्रेड एपनिक। जी, इनिशियली रेस्पिरेटरी सर्वे ऑब्जर्व द पेशेंट ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें हम चार चीज़ें मोस्टली तीन चीज़ें ज़्यादातर देख लेते हैं, रेट है, डेप्थ है और उसकी एफर्ट। ठीक है, हमने देखा कि मैकेनिज्म ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, नॉर्मली क्या है, हम लेबल उनको क्या करते हैं। ठीक है, टैकिपनिक और ब्रेड एपनी हम कहते हैं। अब रेट में अगर हम देखते हैं नॉर्मल वर्सेज इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसे ही है ना। डेप्थ में क्या करेंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि शैलो है का स्मॉल है, डिस्नी क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें शैलो वर्सेस डीप रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे। एफर्ट में क्या करेंगे, एनी साइन ऑफ एक्सेसरी मसल्स यूजेस, इंस्पेक्ट नेक, देखा आपने पहले देखा कि शोल्डर उसके रेज हो रहे हैं और वो एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहे हैं, तो ये उसकी एफर्ट है। नॉर्मली ये चीज़ें आपको नहीं होंगी मिलेंगी। असेस द पेशेंट कलर, डेफिनेटली अगर उसमें मतलब पेशेंट डीसेच कर रहा है, डिसेचुरेट कर रहा है, तो उसमें आप साइनोसिस भी आपको मिलेगा, उसका कलर से ही आपको जब असेस करते हो तो पता चल जाता है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? बेटा सब क्लियर है आपको? नो कमेंट्स? या तो समझ आ रही है या बिल्कुल समझ नहीं आ रही, दो ही बातें हो सकती हैं। एक्चुअली आपके ये छोटे मोटे क्वेश्चंस और कमेंट्स जो हैं वो हमें ये पता चल रहा था कि आप लोग बेटा ऑनलाइन हो और हमें जो है वो सुन रहे हो, ठीक है, इसलिए ये मैं चीज़ें आपसे पूछ रही हूँ कि आपको समझ आ रही है, क्लियर है आपको लेक्चर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ हो। जी अंसव, फातमा, सोनिया, मरियम, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने रिप्लाई किया। जी ये हम नॉर्मली थोड़ा सा देख लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू एज जो है उनकी रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इन्फेंट में 30-60 नॉर्मल हम देखते हैं, टोल्डर में 24-40 रेस्पिरेशन पर मिनट है, प्री स्कूल में क्या होता है 22-34 पर मिनट है, स्कूल एज चाइल्ड में 18-30 है, अडोलसेंट में क्या है 12-16 है, और अडल्ट में है 16-20। यही चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि अकॉर्डिंग टू एज जो है वो वेरी करती है। ओके, थैंक यू बेटा। जी, दिस इज अ पैटर्न ऑफ रेट, क्योंकि हमने देखा रेट, डेप्थ
और एफर्ट्स, ठीक है। तो इसमें रेट में हमने क्या देखना था कि नॉर्मल वर्सेस इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही थी। यूपीनिया क्या है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं, जो कि 12 to 20 पर मिनट के हिसाब से आ रही है। तो ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी ये एक पैटर्न है। अगर टेकिपनिया है तो उसमें इंक्रीज आपका हार्ट रेट हो जाएगा और सॉरी रेस्पिरेटरी रेट होगा। वो किन कंडीशन में होगा, नमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, एसिडोसिस में पेशेंट हो सकता है, सेप्टिसीमिया में हो सकता है, या पेशेंट को कोई सीवियर पेन, ठीक है। रेड एपल उसकी ये कंडीशन होगी, जस्ट लाइक आपकी टैकीकार्डिया की तरह जो है डीफेब की तरह चल जाता है, ठीक है। वीटेक सॉरी डीफेब कह रही हूँ, वीटेक की तरह वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह उसका भी पैटर्न होता है। ब्रेड एपनिया की बात करेंगे, डेफिनेटली हमने पहले भी बात की तो इसमें टैकीपनिया में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ब्रेड एपनिया में क्या है, डिक्रीज होगा, और वो किन कंडीशन में होगा, इंक्रीज अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर है हमारा या कोई ड्रग ओवरडोज हो गई, ठीक है। यही कहा था कि सेडेटिव ड्रग्स लेते हैं तो जिसकी वजह से जो है पेशेंट की जो है वो लेस देन अगर 100 जो है वो बीट पर मिनट है तो उसको हम ब्रेड एपनिया लेबल करेंगे, ओके जी। डेप्थ की बात हुई थी तो जिसमें हाइपर एपनिया की बात करेंगे, इसमें इंक्रीज उसकी डेप्थ हो जाएगी, शैलो और डीप की बात हो रही थी, इसी तरह थी ना उसमें। हाइपर वेंटिलेशन इसमें भी इंक्रीज उसकी डेप्थ भी होगी और रेट भी होगा, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन, हाइपो में मेन डिक्रीज की तरफ जा रहा है, उसकी डेप्थ भी डिक्रीज हो जाएगी और साथ ही उसका रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, समटाइम जो है वो पॉज भी हो सकता है, ठीक है जी। कस्मोल ब्रीदिंग, कस्मोल ब्रीदिंग में क्या होगा, इसमें भी इंक्रीज और डेप्थ हो जाएगी, इंक्रीज रेट और डेप्थ दोनों चीजें हो जाएंगी। इट्स अ डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न ऑफन एसोसिएटेड विद अ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपके पास पेशेंट मेटाबॉलिक सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि आपने पैथो में पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, और अल्कलोसिस, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस, तो इसलिए आप लोगों को सबको हाउ नो होगी कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्चुअली वो है क्या, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में आपने एबीजीज बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी तो उसमें जो है वो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, अगर नहीं भी पढ़ी तो आप लोग पढ़ लेंगे, और अगर आईसीयू में काम करते हैं तो उन्होंने एबीजीज बहुत अच्छे से जो है वो इंटरप्रिटेशन करनी भी आती होगी और उसको अंडरस्टैंडिंग भी आती होगी। आई एम राइट, ओके। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपर वेंटिलेशन, ये भी जस्ट लाइक हार्म फॉर्म ऑफ हाइपर वेंटिलेशन की तरह है। एपन्यूस्टिक में क्या होगा, परलॉन्ग गैस्पिंग फॉलोइंग बाय अ शॉर्ट, इसमें गैस्पिंग कंडीशन होगी, इसमें एपन्यूस्टिक जो है वो हम उसको ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी पैटर्न लेबल कर सकते हैं, ओके क्लियर है जी। एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न हैज अ परलॉन्ग इंस्पायरेटरी फेज, इसमें क्या होगा, एपन्यूस्टिक में क्या होगा, परलॉन्ग उसका इंस्पायरेटरी फेज होगा विद ईच ब्रेथ फॉलोड बाय क्या होगा, और परलॉन्ग उसका एक्सपायरेटरी होगा, इंस्पायरेटरी भी लॉन्ग होगा और परलॉन्ग होगा उसका एक्सपायरेटरी फेज, दैट इज ऑफन मिस्टेकन फॉर एन एपनिक पीरियड, ठीक है। इसमें एपनिक पीरियड भी हो सकता है। कॉजेज क्या हो सकती है, एपनिस्टिक ब्रीदिंग इज यूजली कॉज्ड बाय डैमेज टू द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग पैटर्न हमारा कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का, पॉन्स अब्लोंगेटा, आप सबने भी आंसर अच्छा किया था। तो अभी यहाँ आपको क्लियर हो गया कि अगर एपनिस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न हो जाता है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी पे वो परलॉन्ग होगा, ठीक है, फॉलोड बाय क्या होगा, एपनिक पीरियड, ऑफन मिस्टेकनली फॉर एपनिक पीरियड। कॉजेज क्या होंगे कि इसमें एपनिस्टिक ब्रीदिंग यूजली किस वजह से होती है, कोई अपर पार्ट जो है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पैटर्न जो कंट्रोल कर रहा है पॉन्स, उसका डैमेज हो जाता है कोई भी पार्ट, ठीक है, इज द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, द पॉन्स कंटेन अमंग अदर थिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो अपर मोस्ट सेक्शन जो है वो ब्रेन स्टेम का जो है वो उसमें जो है वो कोई डैमेजनेस हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये एपनेस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न बार क्या होता है। इज इट क्लियर, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड स्टूडेंट्स, आर यू विद मी बेटा, यहाँ आपको कोई स्लाइड में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, क्लियर है यहाँ बेटा, ये स्लाइड आपको क्लियर है, ओके थैंक यू जी। रिदम, रिदम में क्या है, एपनिया हम देखते हैं जो कि नॉट ब्रीदिंग, ठीक है,
बिल्कुल एब्सेंट है उसका, कोई उसका ब्रीदिंग पैटर्न का कोई भी स्टाइल नहीं। थैंक यू बेटा फातिमा मरियम। ओके चाइनीज स्ट्रोक, चाइनीज स्ट्रोक का भी आपने एक स्मॉल ब्रीदिंग, शेलो ब्रीदिंग, ऑलमोस्ट अगर इन्होंने पीडियाटिक में काम किया तो ये सब आप ब्रीदिंग पैटर्न के नेम्स सुने होंगे, ठीक है। जिन्होंने पीडियाटिक में आपने स्पेशलिटी की हुई है तो ऑलमोस्ट उनको ये सब पैटर्न रेस्पिरेशन के पता होंगे। अब नोट करेंगे हम ब्रीदिंग पैटर्न, नॉट ब्रीदिंग, सॉरी, इसमें एपनिया में बिल्कुल ब्रीदिंग नहीं होगी। अब चाइनीज स्ट्रोक को हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें ब्रेथ करेगा प्रोग्रेसिवली डीपर, बिकम अ मोर शैलो पीरियोडिक एपनिया फॉलोज एसोसिएटेड विद अ सीवियर ब्रेन पैथोलॉजिकल, जिसमें वेरी करता है डेप्थ फुल बीट ऑफ एपनिया। ये उसका सिंबल दे रहे हैं कि मतलब इसमें जो है वो उसकी डेप्थ जो है वो फुल बीट के साथ भी है और एक पॉज आ जाता है, बिल्कुल एकदम से जो है वो एब्सेंट हो जाती है, एपनिया पीरियड आ जाता है, एपनिक पीरियड आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चाइनीज स्ट्रोक, और शैलो ब्रीदिंग पैटर्न भी हम उसको कह सकते हैं कि एकदम से बीच में जो है वो उसकी रेगुलरिटी हुई, पेरोडिक पीरियड आया उसका और एकदम से जो है वो पेरोडिक एपनिया हो गया, ठीक है। तो ये मोस्टली डेप्थ फुल बीट के साथ भी वेरी करती है और एपनिया पीरियड भी इसमें आ जाता है, तो उसको हम चाइनीज स्ट्रोक की बात करते हैं, ठीक है। वियोटिक ब्रीदिंग, ये भी आपको मोस्टली जो है वो सुनने में देखने में जो है वो आपने जरूर पेशेंट को एक्सपीरियंस किया होगा, वियोट्स, इसमें इंक्रीज रेट होगा और डेप्थ विद अब्रप्ट पॉज, ठीक है। तो इसमें भी पॉज और एपनिया के ही मिलती जुलती चीज़ें हैं। वियोट ब्रीदिंग में वेरी करती हैं, इरेगुलर ब्रेथ होती है विद इन सडन पीरियड ऑफ एपनिया, ठीक है। जिसे मैं आपको बताया कि पॉज एपनिया, पॉज भी क्या है, जस्ट लाइक एक ब्रेक आ जाता है, उसके बाद थोड़ी सी फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है और एपनिया भी अपनी पीरियड आ जाता है। मे बी सीन इन द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड ब्रेन डैमेज एट द लेवल ऑफ द मेडुला, इज इट क्लियर, क्योंकि मेडुला और पॉन्ड्स की बात हो रही है जी। इंस्पेक्शन तो यहाँ हमारा क्लियर है, ठीक है, सबको अंडरस्टैंडिंग है। इंस्पेक्शन में डेफिनेटली हम ब्रीदिंग पैटर्न को देख रहे हैं, उसको हमने असेस किया, चेस्ट की शेप्स को देखा हमने, उनमें देखा कि कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं, इंटीरियर कौन सी हमारी जो है अब नॉर्मेलिटी हो सकती है और पोस्टीरियरली क्या हो सकती है जी। आई हैव अ क्वेश्चन हियर, इंटीरियर चेस्ट एक्सपेंशन में कौन कौन सी चीजें आप देखोगे, प्लीज टाइप हियर स्टूडेंट्स, और पोस्टीरियर में अभी अभी हमने अब नॉर्मेलिटीज देखी है जी। आई नीड योर क्वेश्चन जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स। इंटीरियर में क्या कौन कौन सी हो सकती हैं अब नॉर्मेलिटीज, और पोस्टीरियर चेस्ट में क्या क्या हम अब नॉर्मेलिटीज देख सकते हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन स्टेप ऑफ पैल्पेशन। ओके आई नीड योर आंसर, you don't want to type here these students, okay, now we will continue the next step of palpation, palpation of the thoracic interiorly in three positions, hum palpate karte hain thoracic ko interiorly in three positions mein, kahan kahan, under the clavicle, in the mid chest, interiorly over the breast, and third one laterally under the breast, feel for alteration in movement, symmetry, rib tenderness, local or on compressions with the fracture pleurisy, ठीक है जी। बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हो बेटा आप लोग, ठीक है मैं कंटिन्यू लेक्चर कर रही हूँ, इट मीन्स कि आप लोग लेक्चर मेरा ध्यान से सुन नहीं रहे, जिसमें बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जिसमें फैनल चेस्ट है आपकी, ठीक है, जिसे हम एक्सकेवेटम कहते हैं, कैरनेटम पेक्टस कहते हैं, फैनल है आपकी पिजन चेस्ट शेप है, ऐसा ही था। लेटरल में हमने क्या देखा, लेटरल कहा हमने देखा, सिक्लोसिस कहा हमने, कैफोटिक कहा हमने, लाइडोसिस की बात हमने की,
एक्चुअली मैं मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि आप लोग मुझे ये चीज़ें बताएं, क्योंकि जब मैं आपसे पूछती हूँ हर स्लाइड के बाद, बेटा आर यू गॉट माई पॉइंट्स, इज इट क्लियर, देन आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड्स. यू आर ऑल गिवन मी आंसर्स, यस मैम आई अंडरस्टैंड, वेल अंडरस्टैंडिंग, तो दैट्स वाई आई एम आस्किंग. जी ओके, थैंक यू बेटा. जी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पल्पेशन को. पल्पेशन को हम थ्री इंटीरियरली हम थ्री पोजिशन में देखते हैं, अंडर द क्लेविकल देखते हैं, और इन द मिड चेस्ट इंटीरियरली देख रहे हैं, ओवर द ब्रेस्ट, और लेटरली हम क्या करते हैं, अंडर द ब्रेस्ट देखते हैं हम, फील देखते हैं, और फील फॉर अ अल्ट्रेशन इन मोमेंट में. ठीक है, सिमेट्री है, रिब्स टेंडरनेस तो नहीं है, पल्पेशन की बात हो रही है. ठीक है, लोकल और ऑन कंप्रेशन विद द फ्रैक्चर और पेडोस, ये सब चीजें हम पल्पेशन में देखते हैं. जी कंटिन्यू पल्पेशन. टीएमएल, टीएमएल वर्ड वी आर असेस एज ए शॉर्टली टेंडरनेस, मैसेस और लियर, ये सब चीजें हम पल्पेशन में देखेंगे. कोई टेंडरनेस तो नहीं है, पेन तो नहीं है, कोई मैस तो नहीं है, कोई एनी लियन तो नहीं है. साइंसेस, साइंसेस में हम पल्पेट करेंगे बिलो आईब्रो, जिसमें हम एथमाइड की बात करेंगे, और चीक बोन पे देखेंगे. ठीक है, क्रेपिटस पे देखेंगे हम सबकुटेनियस. थैंक यू बेटा, आप लोग सब प्रेजेंट हो. जी क्रेपिटस पे हम देखेंगे सबकुटेनियस, कहीं एम्फिजीमा तो नहीं है, मे बी सर्जिकल एम्फिजीमा है, कोई प्लूरल ओपिनियन था उसमें जो है वो, उसमें एम्फिजीमा हो सकता है. एयर लीक इन टू द सबकुटेनियस टिश्यूज, ठीक है, तो उसमें एयर लीक तो नहीं है सबकुटेनियस टिश्यूज में, तो ये हम उसमें आजकल टेट करके या जब हम उसको पेल्पेट करते हैं तो क्रेपिटस जो है वो एयर है अगर कोई भी अंडरलाइन आपके टिश्यूज में, तो वो इजीली जो है वो आपको फील हो क्रेपिटस की तरह, जब आप पेल्पेट करते हो तो मूव करती है आगे की तरफ. ठीक है, पोजीशन ऑफ द एपेक्स बीट नॉर्मली लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. कल मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन दिया था कि जो है हमारी पीएमआई की बात है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्सिस की बात करते हैं, तो वो जो है हमारी जिसमें हम एपेक्स बीट की भी बात करते हैं वो जस्ट बिलो द निपर, और मतलब जो है वो पैरेलल ही है इसका, इसमें माइटल हमारा साइड थी कि माइटल एरिया था, उसके साथ ही जो है वो हम उसको जो है वो मीडियल टू जस्ट क्लेविकल इंटरकोस्टल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम नॉर्मल देखते हैं. पोजीशन ऑफ द एपेंडिक्स नॉर्मली लेफ्ट साइड पे है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, जस्ट मीडियल टू क्लेविकुलर लाइन पे. ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन के मीडियल में है, आपने देखा होगा क्योंकि हमने लाइन और ऑर्गेनाइजेशन, सरफेस ऑफ लैंड मार्किंग, मैचरी लाइन जिसको हम कहते हैं, एनाटॉमिकल मैपिंग, वो सब चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली. ठीक है, मोस्ट इंफीरियर एंड लेटरली पॉइंट दैट वन कैन फील द पल्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोलिक, गिव क्लू टू हार्ट साइज और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो मोस्टली अगर मोस्टली इंफीरियर लेटर पॉइंट जो है वो आपको क्या फील करता है पल्सेशन में, ड्यूरिंग सिस्टोलिक में क्लू देता है कि या तो हार्ट साइज आपका डिस्प्लेसमेंट है वहाँ से. ठीक है, ये चीज़ आपको वो बताएगा कि जैसे हम कहते हैं मेजो टू डेक्स्ट्रोकार्डिया. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है. पेशेंट मस्ट बी रेस्टिंग एट अ 45 डिग्रीज, अब नॉर्मल ब्रीदिंग, फिंगर्स बिटवीन द रिब्स, असेस करेंगे जिसमें हम पोजिशन देखेंगे, साइज देखेंगे और उसका करेक्टर देखेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, पल्पेशन में हमने भूलना नहीं है कि हमने पेशेंट्स की चेस्ट को एक्सपेंशन देखनी है उसकी. ठीक है, जिसमें हम टेक्टाइल फर्माइटिस की बात करते हैं, आपने देखा कि पेशेंट्स को जो है बोथ हैंड जो है वो बैक ऑफ द चेस्ट हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट बेस ऑफ द लंग्स में है, और दोनों हम थम्स को जो है वो कंबाइन करते हैं. ठीक है, यहाँ आपने देखा होगा स्पेस है, हम पेशेंट्स को कहते हैं जब एग्जामिन करते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, और होल्ड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब चेस्ट आपके लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो वो दोनों थम्ब जो है उनके बीच में ये स्पेस आ जाती है नॉर्मली, तो इट मीन्स टेक्टाइल फर्माइटिस आपकी. ठीक है, पेशेंट्स को हम ये देखते हैं, आज द पेशेंट टू से 99 सेवरल टाइम्स इन अ नॉर्मल वॉइस, तो यहाँ आप उसकी वाइब्रेशन फील करोगे. ठीक है, वाइब्रेशन फील करोगे, ये तो मैंने आपको एक वर्बली बताया कि उसकी चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो थम के दरमियान में
जो है वो आपके थंब थोड़े साथ जो है वो क्लोज होंगे, पैरेलल होंगे जब वो एक्सपेंड करेंगे। जब हम 99 की बात करती हूँ, एक तो ये है कि वाइब्रेशन फील करोगे, सेकेंडली टेक अ पेशेंट ब्रेथ और होल्ड करेगा तो वो उसमें स्पेस आएगी। ठीक है, पल्पेट यूजिंग अ बॉल ऑफ योर हैंड्स, यू शुड फील द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू द लंग्स। इंक्रीज्ड टाइफमाइटस सजेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ द अंडरलाइन लंग टिश्यूज। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे टैक्टाइल फर्माइटिस। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह हैंड प्लेस किए हुए हैं पेशेंट्स ने, इसमें हम चेस्ट की एक्सपेंशन भी देखते हैं। ठीक है, बेस ऑफ द लंग्स में, और यहाँ आपको पता है कि एक्सचेंज होती है हमारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑलिव लाइज में हमारी जो है ऑक्सीजन वो रिप्लेस होती है। ठीक है, एक्सचेंज होती हैं। क्लियर है यहाँ टैक्टाइल फर्माइटिस एक्चुअली होता क्या है? आपने पेशेंट्स को क्या कहना है, आज द पेशेंट टू से 99 सेवरल टाइम इन आ नॉर्मल वॉइस में, यानी कि बहुत ऊंचा बोल रहे हैं आप, कुछ भी शोर, आपका नॉइस फ्री रूम होना चाहिए। तो आपने वो हैंड जो आपने प्लेस किए हुए बैक ऑफ द पेशेंट की चेस्ट पे, थोरेसिक पे, बैक ऑफ द थोरेसिक पे, तो वो वहाँ आपको क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, वाइब्रेशन आपको फील होगी। ठीक है, थ्रू द एयरवे टू द लंग्स में। अगर इंक्रीज बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही है टैक्टाइल फर्माइटिस में, तो पेशेंट को आप सजेस्ट करते हो सकता है कंसोलिडेशन ऑफ द अंडरलाइन लंग्स। ठीक है जी, कंसोलिडेशन क्या है कि आपकी जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, पेशेंट की हार्डेंट हो जाती है। ठीक है, आ रही आवाज? ठीक है बेटा, आवाज आ रही है जी सुमैया मैम जी। अच्छा, कंसोलिडेशन का मतलब यही है कि मतलब हार्डेंड या सॉलिड कोई चीज हो गई है वहां, तो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसको हम कंसोलिडेशंस कहेंगे, क्योंकि एयर फील्ड होगी। ठीक है, तो वो नॉर्मली वाइब्रेशन होगी, नॉर्मल ही आपको फील होगी। जब कंसोलिड, कोई कंसोलिड मीन कोई सॉलिड आपका मैस है वहाँ, या कोई लंग्स की कंसोलिडेशन मीन हार्डेंड टिश्यूज हो गई हैं, फाइब्रोटिक हो गया या कुछ इस तरह का, तो वहाँ आपको ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगी। अब किसी भी सॉलिड चीज़ को आपने देखा, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दे दी हूँ, टेबल के ऊपर आपने जो है वुडन टेबल, उसके ऊपर आपने मोबाइल वाइब्रेशन के लिए रखा हुआ, तो वहाँ कंसोलिड चीज़ है, एक सॉलिड सी चीज़ पड़ी हुई है, उसके ऊपर वाइब्रेशन ज़्यादा आपको जो है वो उसकी वॉइस जो है वो क्लियर वाइब्रेशन फील होगी। कंपैरेटिवली अगर आपने मैट्रेस पे, बेड पे, अपने बेड साइड पे पिलो के पास रखा हुआ है, उस पर आपको कम फील होगी। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? ओके जी, टैक्टाइल फर्माइटिस, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि हमने टैक्टाइल फर्माइटिस में हमने वाइब्रेशन भी देखनी है और सेकेंडली आपने चेस्ट एक्सपेंशन भी देखनी है। आर यू क्लियर? ओके, आर यू विद मी स्टूडेंट्स? यहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर है, नहीं तो हम पीछे साइड्स पे फिर डिस्कस कर लेंगे जो बच्चों ने ज्वाइन अभी अभी किया है, ताकि ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा इसमें कंपल्सरी है। टैक्टाइल फर्माइटिस में हमने क्या देखा प्रीवियस स्लाइड में, कि यहाँ हमने पेशेंट को कहा आपने ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन साउंड्स देखी। ठीक है, टैक्टाइल फर्माइटिस में आपने पेशेंट्स को कहना है 99, 1, 2, 3 या कुछ भी के नॉर्मल वॉइस में वो आपके वर्ड्स को रिपीट करे। ठीक है, उसमें वो रिपीट कर दे, जिस तरह मैं आज द पेशेंट टू से 99 सेवरल टाइम, 2-3 दफ़ा वो बोले, हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम में सुना, दूसरे टाइम में सुना, थर्ड टाइम आप अच्छे से उसको वार्ड देते, और आपने अपने हैंड जो होंगे बेस ऑफ द थोरेसिक, बैक ऑफ द थोरेसिक आपने बॉल फॉर्म में वहाँ आपने रखने हैं, ताकि आपको जो है वो वाइब्रेशन, क्योंकि जो आपकी बॉल है, बॉल ऑफ योर हैंड जो है पाम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वहाँ वाइब्रेशन आपको अच्छे से फील हो, यानी कि बहुत टाइटली आपने करना, स्लाइटली नॉर्मल वे आपने इसको प्लेस करना है। तो आपने जब वो बोलेगा पेशेंट 99 99 1 2 3, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो वो वाइब्रेशन जो है आपको एग्जैक्टली फील होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ आप करते हो बैक ऑफ पे, फ्रंट पे या बैक पे, तो इजीली आप उसको सुन सकते हो। ठीक है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको बहुत क्लियर नजर आएंगी,
ठीक है, हम उसको इगोफोनी ब्रोंकोफोनी हम स्टेथोस्कोप से भी आस्कल्टेशन में भी यूज़ करेंगे, मगर टेक्टाइल में आपने बॉल होता है, हैंड्स आपने रखने हैं पेशेंट्स के बैक ऑफ थ्रेसिक पे, और पेशेंट को कहना है सी 99, तो वो 99 बोलेगा, तो आपने उसकी जो साउंड वाइब्रेशन होगी ट्रांसमिट होगी वो आपने फील करनी है। इंक्रीज जो है वो कंसोलिडेशन में लंग के कंसोलिडेशन जो है लंग टिश्यूज़ की हो जाती है, तो उनमें टेक्टाइल फर्माइटिस जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह मैंने डिस्कस किया कि इसमें टेक्टाइल फर्माइटिस में एक और हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जिसमें हम चेस्ट की एक्सपेंशन देखते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं थ्रेसिक एक्सपेंशन में। तो दोनों थंब को क्या, यहाँ आपको एक क्लियर इमेज है, इट विल बी नॉर्मल। यस बेटा इट विल बी नॉर्मल, क्योंकि अगर नॉर्मली आपको फील हो रही है वाइब्रेशन तो डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन फील होनी ही है, अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर इंक्रीज है तो इट मीन्स कि उसके लंग टिश्यू में अंडरलाइन कोई कंसोलिडेशन है जिसकी वजह से वाइब्रेशन साउंड ज्यादा हो रही है, अगर बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं दे रही तो इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, इज इट क्लियर अदीला? ओके, अब हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात करते हैं। इसी तरह हमने वही आपने अपने हैंड्स को दोनों को प्लेस करना है, और आपको ऑप्शन ए में जो है पिक्चर ए में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें दोनों थंब जो है वो आपकी स्पाइनल कार्ड के साथ अटैच है। ठीक है, दोनों उन्होंने पैरेलल किए हुए हैं। जब चेस्ट उसकी एक्सपेंशन हुई है तो नंबर बी में जो है वो थंब की जो है इन बिटवीन स्पेस हो गई, इट मीन्स के नॉर्मली हम पेशेंट को कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ और होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, तो वो चेस्ट जो है वो उसकी एक्सपेंड होगी और स्लाइटली हमारे जो है वो थम थोड़े से मूव करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे बकायदा, आप उसको फील करोगे कि ये मूव हुए हैं, तो उसके दरमियान में हम देख लेते हैं, इट मीन्स कि उसकी चेस्ट एक्सपेंशन ठीक है। ठीक है, समटाइम पेशेंट्स की नहीं होती, और ना ही हम गुड क्लिनिशियन होते हैं जो कि हम एग्जैक्टली उसको फील कर सकें। ओके, क्लियर है सबको बेटा? जी, यहाँ एक थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स आपको बता दी हुई है कि इसमें ऑलमोस्ट हम पार्कस भी करते हैं, ये आस्कल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जी, पार्कशन, जी ओके, जी नाउ वी विल, आपको पेल्पेशन क्लियर है, पेल्पेशन में हमने टेक्टाइल फर्माइटिस देखी, चेस्ट एक्सपेंशन देख लिया, और हमने कोई भी सॉलिड मैस है या कुछ भी रिट्रैक्शंस है हमारे रिब्स के दरमियान में, तो वो चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर ली, और साथ हमने देख लिया कि नॉर्मली ये सब चीज़ें हैं या कोई अंडरलाइंग मैस है। अब हम परकशन की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे, नॉर्मल जो है वो परकशन साउंड क्या है ओवर ऑल द लंग्स, कौन सी आपको फील होगी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे परकशन साउंड कौन सी देखेंगे? परकशन साउंड में एग्जैक्टली एक्सर रेजोनेंस, ठीक है, हम रेजोनेंस इसमें देखेंगे, हाइपर रेजोनेंस देखेंगे, नॉर्मल ओवर ऑल द लंग्स हमें रेजोनेंस सुनाई देगी, अगर कोई ओवरफिल्ड लंग्स है, एयर फील्ड ज्यादा है, तो उसमें हाइपर रेजोनेंस होगी। ओके, आई नीड योर आंसर्स, थैंक यू। जी, परकशन में एक्चुअली हम देखते क्यों है, रेशनलाइज हम इसको क्यों करते हैं, टू डिटरमिन इफ अंडरलाइन टिश्यू इज अ फील्ड विद द एयर और सॉलिड मटेरियल, तो एक्चुअली हमारा पर्पस ये है, हम जो है वो अंडरलाइन टिश्यूज को देखें कि उसमें एयर फील्ड है या कोई सॉलिड मटेरियल है, तो इसीलिए हम देखते हैं, हम परकशन साउंड में हमने डल देखी, फ्लैट देखी, ठीक है, सॉलिड अगर मटेरियल है तो वहाँ आपको डलनेस ही सुनाई देगी, ठीक है, या एयर ओवर एयर फील्ड है, प्लूरल ओपिनियन है, या आपकी इम्फाइजीमा है, निमोथोरिक्स है, तो उसमें डेफिनेटली आपको हाइपर रेजोनेंस मिलेगी, और नॉर्मल ओवरऑल लंग फील्ड पे क्या तो आपको रेजोनेंस होगी। प्रोसीजर में ऑलमोस्ट पेशेंट्स को हम कंफर्टेबल पोजीशन पे रखते हैं, 45 डिग्री पे रख सकते हैं या पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन में है, टैप करेंगे हम स्टार्टिंग एट द शोल्डर, इट मीन्स कि हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अबव द क्लेविकल और बिलो द क्लेविकल जो है वो हम ऑल ओवर द चेस्ट जो है हम पार्कस करेंगे, ठीक है, और कंपेयर हम करेंगे दोनों राइट और लेफ्ट,
जिस तरह ये प्रीवियस स्लाइड्स हैं ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर आप यूज करोगे, ये इसी तरह हम स्कल्टेड भी पेशेंट्स को करोगे, ठीक है। ए में क्या है आपको, आपने अगर अबव द क्लेविकुलर जो है वो शोल्डर से हमने स्टार्ट किया पार्कर्स, तो उसके पैरेलल में हम सेकंड जो है उसको भी हम लेबल करेंगे, ठीक है। राइट और लेफ्ट किसकी तरफ हम जाएंगे, फिर वहां से हम नीचे आएंगे उसी साइड पे, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम मूव करेंगे ये पिक्चर। इसी तरह हम आस्कल्टेड भी करेंगे पेशेंट्स को और पार्कर्स भी करेंगे। ओके सॉरी, क्लियर है जी बेटा जी। पर्कशन, यही बात हो रही थी कि पर्कशन में रेजोनेंस क्या है, ओवरऑल द लंग्स हमें नॉर्मल सुनाई देगी, हाइपो रेजोनेंस में टू मच एयर होगी, ठीक है, या कोई सर्जिकल एम्फिजेमा हो सकता है, ओके। क्योंकि हमें पता है ओवर द लंग्स हम डायरेक्ट उसको पर्कस करते हैं, क्लेविकल के ऊपर हम डायरेक्ट पर्कशन करते हैं और बाकी जो है वो हम क्या करते हैं, प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। फ्लैटनेस और डल, फ्लूड और सॉलिड, प्लूरल ओपिनियन में हो सकता है, निमोथोरिक्स में हो सकता है, ट्यूमर में। इट मीन्स कि जब कोई अबनॉर्मेलिटी आपकी डेवलप होती है तो उसमें फ्लैट और डल की सुनाई देगी आपको, हाइपर रेजोनेंस में कोई आपको, यस एग्जैक्टली बेटा, जिगजैग मेथड हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। पर्कशन में भी और आस्कल्टेशन में भी हम जिगजैग का मेथड यूज करते हैं, एग्जैक्टली। थैंक यू बेटा जी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रेजोनेंस कैसी साउंड होती है, हाइपर रेजोनेंस में क्या है और टेम्पेनी में क्या है और डेल में, ये सारी क्या है, पर्कशन की साउंड है, ठीक है। लो पिच होगी क्योंकि ये अगर हमारे मेमोराइज होंगी तो हम उसको अच्छे से लेबल कर सकेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन जो है वो रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है, ठीक है। ओके जी, दिस इज अ क्लियर पिक्चर्स ऑफ द हाउ टू असेस द रेजोनेंस ओवर द लंग्स, फ्लैट ओवर मसल्स बोन, कार्डियक ओवर द लंग्स एंड ऑल्सो कार्डियक डलनेस, क्योंकि ये भी एक सॉलिड आपके पास चीज है, तो सॉलिड जो है वो ऑर्गन है जिसके ऊपर आपको डल सुनाई देगी, और टेम्पेनी साउंड जो है वो हमें ओवर द स्टमक अप जो है वो हमें सुनाई देगी, लीवर पे भी हमें क्या है डल सुनाई देगी, और ओवर ऑल लंग्स पे क्या हमें सुनाई देगी, लंग टिश्यूज पे रेजोनेंस, ठीक है। फ्लैट हमें कहाँ सुनाई देगी, ओवर अ हैवी मसल्स और बोन के ऊपर, इज इट क्लियर। ओके, और ऑलमोस्ट जो विसरा है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, इंटरनल विसरा जो है उस पर भी हमें क्या होगी, फ्लैटनेस जो है वो सुनाई देगी साउंड्स। दिस इज अ क्लियर पिक्चर्स ऑफ द हाउ टू पर्कस, एज यू नो वी आर यूजिंग अ जिगजैग मेथड फॉर अ पर्कशन एंड ऑल्सो आस्कल्टेशन टेक्निक्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ क्लियर है, पर्कशन मेथड्स वी आर यूजिंग एज ए डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट हैंड्स, एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग एज ए फ्लेक्सर एंड फ्लेक्सीमीटर्स। आई ऑलरेडी टॉट यू इन द लेक्चर्स इन क्लासरूम। सबको क्लियर है, सबको पता है कि फ्लेक्सीमीटर क्या है और फ्लेक्सर क्या है, ठीक है। ओके थैंक यू जी बेटा, एनी क्वेश्चन। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस आस्कल्टेशंस। यहाँ तक आपको पर्कशन, पल्पेशन, पर्कशन और आस्कल्टेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है आपको। ओके थैंक यू, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल। ओके बेटा इंशाल्लाह मैं स्लैम पे भी जो है वो आपको जो है वो हाइड किया होगा आई थिंक, लेक्चर्स में शो कर दूंगी इंशाल्लाह। बेटा ऑलमोस्ट जो है हम डायरेक्ट इन डायरेक्ट पर्कशन जो है वो हम डायरेक्ट पर्कशन हम साइनसाइटिस के लिए चेक करते हैं, और अगर अबव द क्लेविकल जो है हम चेस्ट को पर्कस करते वक्त अगर कोई डिजीज ऐसी है तो उसमें हम जो है वो उसको डायरेक्टली जो है एपेक्स हमारे क्या है लंग्स के ऊपर है तो हम वहाँ उनको पर्कस करते हैं, डायरेक्ट पर्कशन करते हैं। अदरवाइज हम ओवरऑल द चेस्ट जो है वो हम जिगजैग मेथड यूज करते हैं और फ्लेक्सर और फ्लेक्सीमीटर ही यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन बेटा, इज इट क्लियर?
ओके योर नेक्स्ट प्रेजेंटर इज हियर दैट्स व्हाई वी विल फिनिश दिस लेक्चर. थैंक यू बेटा. कोई इशू नहीं है, सब अंडरस्टैंडेबल है. कोई इशू तो नहीं है. हाय मिस्टर तंजीम इज हियर. नाउ लाइफ स्टूडेंट्स मिस्टर तंजीर स्माइल कर रहे हैं और आगे है. अब आई थिंक मुझे वाइंड अप कर देना चाहिए क्विकली. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ लेक्चर टुमारो. वेलकम मिस्टर तंजील. थैंक यू मैडम. कैसे आप सब? ठीक है, आप ठीक है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं पहले 4 मिनट उनको कह रही थी कि मैं अल्लाह हाफिज कर दूं, मेरे नेक्स्ट प्रेजेंटर आ गए हैं तो मुझे आप शो हो रहे थे. मैंने अच्छा चले ठीक हो गया. ओके सर, अल्लाह हाफिज. ओके मैडम, अल्लाह हाफिज. बाय बाय. हाँ जी, अस्सलाम.